आज 16 अगस्त शाम 5:05 पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का निधन हो गया, जो कि लगभग 2 महीने से स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण एम्स अस्पताल में भर्ती थे। वे लगभग 38 वर्ष पूर्ण ब्यावरा आए थे। इस संबंध में अरविंद शर्मा, रामचरण जी दांगी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, डॉक्टर भारत वर्मा, वर्तमान विधायक नारायण सिंह पंवार एवं गोपाल वाश्रा आदि से जानकारी ली गई एवं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यावरा से रोहित नेवाले के साथ जफर सेफी की रिपोर्ट। लगभग 38 साल पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का ब्यावरा आगमन हुआ था। आगमन पर मुल्तानपुरा में श्री रामचरण दांगी, जो कि वर्तमान में दांगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी अटल जी से व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से भेंट हुई, इसकी जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। मैं रामचरण दांगी, मध्य प्रदेश दांगी समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं मध्य प्रदेश दांगी समाज की ओर से आदरणीय पूजनीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का, जैसे ही मुझे मालूम हुआ तो मुझे बड़ा दुख और हुआ। तत्पश्चात जो उनकी कार्यशैली कार्य योजनाएँ जो हमारे देश में प्रभावित हुई है, आज हमारा देश उनके नाम को हमेशा हमेशा याद रखेगा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने नल जल सड़क योजना, प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, नदी जोड़ो योजना, ये उन्होंने राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक ऐसा कार्य किया था। अच्छा साहब, ब्यावरा ब्यावरा जो हमेशा ब्यावरा आया था ना? हाँ जी, ब्यावरा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक ऐसा मौका मिला मुझे कि मैं मेरे निज निवास ग्राम मुल्तानपुरा में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का आयोजन रखा गया था। उस समय वो हमारे बीच में, उनसे मेरी मुलाकात हुई, हमारे निज निवास पर उनकी बैठक हुई। मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। मैं उस समय मैं पूर्व में जनसंघ का क्रियाशील कार्यकर्ता रहा, राष्ट्र हित में मैं आरएसएस का भी कार्यकर्ता रहा। वर्तमान में मैं अपनी ओर से मैं अब जो आज हमारे देश को क्षति हुई है, ऐसी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए मैं मेरी ओर से और मेरे समाज की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश के दांगी समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं नमन करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वो ऐसा यश प्राप्त किया है। नाम है सैया, आम आदमी पार्टी विधानसभा ब्यावरा का उम्मीदवार। मैं पूरे अपने कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के निधन पे मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी जी रहे हैं। आज भले ही कोई भी पद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, परंतु हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ऐसी व्यक्तित्व के धनी को हम अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करें।